हेलो सचिकाल नमस्ते अदाब, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूँ जासमीन और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले अ हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो आज की वीडियो होने वाली है चिल्ड्रंस डे स्पेशल और हम बनाने वाले हैं सबका फेवरेट मसाला चीज पाव और वो भी घर पे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम हमारे मसाला पाव की फिलिंग बना लेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल में चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड टोमेटो, बॉइल्ड कॉर्न्स, चॉप्ड ग्रीन अनियंस, चॉप्ड पनीर और चॉप्ड अनियंस डाले हैं। हमारे पनीर और हमारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर वेजिटेबल की क्वांटिटी अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे मेयोनीज। आप चाहें तो फ्लेवर्ड मेयोनीज भी यूज कर सकते हैं। मेयोनीज के साथ साथ मैंने इसके अंदर डाला है टोमेटो केचप। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल और पनीर हमारी सॉस से अच्छे से कोट हो जाए। तो अभी हम हमारे होममेड ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई को रखा है गैस पर, उसके नीचे मैंने सॉल्ट लगा के उसके ऊपर एक स्टैंड रखा है और उसको एक प्लेट से कवर कर दिया है। तो अभी मैंने एक प्लेट को सिल्वर फॉयल से अच्छे से कवर कर दिया है और मैंने उसे बटर से ग्रीस कर दिया है। इसी के ऊपर हमारा पाव बेक करने के लिए रखेंगे। तो अभी मैंने पाव का पैकेट लिया है, 6 होते हैं एक में, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। तो इसको मैंने सेंटर से अच्छे से स्लिट कर लिया है, इक्वली स्लिट करना, बिल्कुल ऐसे में जैसे आपको बता रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इक्वली मैंने इसको कट कर लिया है। तो अभी जो बॉटम वाली लेयर है उसके ऊपर हम पिज्जा सॉस लगाएंगे और जो हम पिज्जा सॉस लगाने के बाद हम हमारे बॉटम वाली लेयर को जो हमने प्लेट ग्रीस की थी उसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर हम चीज डालेंगे। तो ये डाइस चीज यूज कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो ब्लॉक जो होता है ना चीज ब्लॉक से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। जो हमने वेजिटेबल की फिलिंग बनाई थी अभी बस मैं इसके ऊपर वही डाल रही हूँ। जो ये मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ ना, आप इससे दो मसाला पाव इजिली बना सकते हैं। तो जो हमने फिलिंग डाली इसको इजिली स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर हम चीज वापस डालेंगे, डाइस चीज, और इसके ऊपर हम ऑलिव डालेंगे। ऑलिव डालना भी ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है डाल सकते हैं। ऑलिव डालने के बाद इसके ऊपर हम चीज स्लाइस डालेंगे। चीज स्लाइस से और भी चीजी बन जाएगा और काफी अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे चीज पाव में। टोटल मैंने 3 स्लाइसेस यूज किए हैं और चीज के ऊपर मैंने थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग स्प्रिंकल की है और इसके ऊपर जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है वो रख दी है। तो जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है उस पर हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे ताकि जब उसको बेक करके निकालें तो काफी सॉफ्ट रहे। तो बस अभी हमारा जो हमारा होममेड ओवन है वो अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो इसके अंदर हम हमारा जो ये पाव है इसकी प्लेट, ये वाली प्लेट रख देंगे। तो इसको हम अच्छे से बेक कर लेंगे फॉर अराउंड 30-40 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम, याद रखिएगा। तो अभी 35 मिनट्स हो चुके हैं। हमारे जो मसाला पाव है मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं, कितने परफेक्ट और कितने शाइनी लग रहे हैं। तो बस अभी हमारे मसाला पाव रेडी हो चुके हैं। तो मैं भी आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए चीज आप देख रहे हैं कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है साइड में। देखिए कितने परफेक्टली मेल्ट हुआ है। तो भी आप देख सकते हैं ना हमारा मसाला पाव रेडी हो चुका है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि आप घंटी की दबाओगे आपको पता कैसे रहेगा कि मेरी नई वीडियो आई है। तब तक के लिए बाय, अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे वंस अगेन। थैंक यू।